बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज सुबह वापस आए थे, कल मेहंदी ख़त्म हुई थी, रात सारी रात ही होती रही मेहंदी का फंक्शन। तो सुबह फिर वापस आए हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी का दूसरा दिन है, यानी बारात का दिन है। तो कल आपको पता है कि कटिंग करवानी थी, तो भाई मैं थोड़ा लेट था, भाई जान मुझे कही जा रहे थे कि जल्दी करो, इसलिए आज फिर मैं जा रहा हूँ अभी कटिंग करवाने। तो बारात का दिन है इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो आज फिर कटिंग करवा लेते हैं, आ जाएं फिर। वाल इदा ने कटने के प्लीज जांच खलो के देखे के वाल कटे ठीक हो गया। आहो सही है, बड़ा हैरान होना अल्हम्दुलिल्लाह यार कटिंग हो गई। हाँ भी असलाम, किदा लग रही है? ठीक है के हम यही है भाई, ठीक है के ठीक हो गया। जाना तू भी नहीं आज? नहीं यार, नहीं कल आना वापस ना, आज जैसे आए ना तो वापस बारात के साथ, फिर आज घर वालों ने भी जाना है, तो इसलिए फिर शाम को फिर हम वापस आ जाएंगे। कल को ये भी था का दोस्ती है साथ में, तो ये वलीमे पर जाएगा, इसको आज शायद कोई काम है, तो इसलिए अभी फिर चलते हैं घर, जाकर देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। तो बाल कटवा कर अभी मैं घर आ गया हूँ, तो कपड़े भी मेरे रेडी हैं। तो अभी सबसे पहले तो नहाना है, तो फिर पैंट शर्ट इधर पड़ी हुई है, इस्त्री की हुई है, तो अभी इसको पहन कर फिर आपको रेडी होकर मिलता हूँ जी। तो अभी आपका भाई रेडी हो चुका है, पहले ट्राउज़र के साथ शुरू कर दिया, तो जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये पहनी है कुर्ता टाइप शर्ट, डिज़ाइन तो शायद पुराना पर आज मैंने पहली दफ़ा पहनी है, और साथ में ब्लू कलर है, ये भी पहली दफ़ा है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और भाई सनावर भाई जैन ने भी काफ़ी तारीफ़ की। और साथ में जी ये पर्पल सी पैंट है, साथ में ब्लैक शूज़, और ये साथ वॉच है स्मार्ट वॉच, तो मुझे तो काफ़ी में अच्छा लग रहा अपने क्या कहते होते हैं अपने मुंह मियां मिठू बना जा रहा है। तो अभी फिर सभी रेडी हैं, तो चलते हैं आ जाएं फिर। तो आज सारी फैमिली ने जाना था शादी पर, इसलिए मामू जान का कैर डब्बा भी है, उसमें शायद चले जाएं। भाई जैन कह रहे हैं कि आप बाइक ले ना, अभी पक्की सलाह नहीं है, देखते हैं क्या बनता है, इसी में कैर डब्बे में जाता हूँ या बाइक पर, ये अभी बाद में पता चलेगा। ठीक है उदा फ्लैशा दे दिया बने अंदर वास्ते और दिया दो फ्लैशा नहीं अंदर वास्ते ना जी बात लोनी है थोड़ी जी अपनी नाल फोटो लगा ली नाल ना वाला ने स्टाइल स्टूल जिस तरह लाए उन्होंने भैन जी चैप सारे ने ये वो ठीक है भैया चलो ठीक है चंगा डर के था उन्हें पता कि ये अताब भाई थे साथ,
तो इनकी फरमाइश थी कि यार हम दोनों ने स्टाइल बनवाना है, तो अभी बाल थोड़े थोड़े छोटे थे इसलिए इतना अच्छा नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा है। जुमा की वजह से दुकानें भी बंद है और लॉकडाउन की वजह से वैसे तो इधर शाम को 6 बजे था, 6 बजे इधर बंद हो जाती है दुकानें। सही आ गई डॉक्टर शकील अहमद 5000 रुपए शरीफ बलून फिर आबिया बतूल डॉक्टर शकील अहमद 5000 रुपए शरीफ बलून मोहम्मद इमरान वसल्लम अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या रहमान रहीमीन या अल्लाह अपने हम सदके ना पेंजन पद सदके ना दिया ग्राम की फजा ने नजर ना अल्लाह तआला तेरी खास रहमत ना मेरे आका दी प्यारी सुन्नत अदा कीती की कबूल तुमने फरमा इन्हां दी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा जेडी हजरत आदम अलैहि सलाम भाई हवा दे दरमियान सी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा जेडी हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी अगुवाई दे दरमियान सी इन्हां दी
सामने देख ओके ठीक है तस्वीर एक मिनट रुके अच्छी जा रहे हैं बासरी चमचा लैके आने इंग्लिश कर रहे मैं किमिया इधर बैठा स्टेशन इधर रख इधर भी रखा अपना ड्राइवर अपनी गड्डी खराब हो गई चलो अच्छा एंड तक यार पहले मेनू कह दो मेरा बहुत दिल करता हूँ कह रहा उसको छोटा हो गया यार मेरा बहुत दिल करता यार तो भी जा रहे हैं हम घर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बारात का दिन खत्म हो गया फिर तो आज तो फिर काफ़ी मज़ा आया मेहंदी से भी ज़्यादा आज मज़ा आया तो कल को फिर बारात है इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे आज माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया हमें हम घर वापस आए मैंने आकर शर्ट चेंज की पहले तो वो जीन्स के कपड़े जो शर्ट होती उसमें ना फिर ज़्यादा बंदा महसूस करता गर्मी वगैरह तो अभी थकावट हुई थी मैं आकर लेटा हूँ तो काफ़ी मज़ा आया यार मैंने वो पैसे इकट्ठे करके ऐसे फेंकने लगा बच्चे सारे ऊपर देखने लगे मैंने फिर दुमार डालना शुरू कर दी बड़ा उधर मैं कहना शुगर लग गया फिर तो काफ़ी मज़ा आया यार आज फिर माशाल्लाह दूसरे घर वालों ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और काफ़ी अच्छी रोटी और सालन वगैरह सारा इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था हमको तो काफ़ी पसंद आया और काफ़ी हमारी इज्जत हुई और काफ़ी उन्होंने हमें अच्छा माहौल दिया तो उम्मीद है कि फिर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को कर देना लाइक कर देना कमेंट और चैनल को कर देना सब्सक्राइब तो अपने दोस्त मीर साहब को भी आपने देनी इजाज़त मिलेंगे इंशाल्लाह वलीमे के साथ तो अपने दोस्त मीर साहब को दे इजाज़त ओके अल्लाह हाफिज़।